वैवाहिक वर्षगांठ पर आए हुए सभी अतिथिगण, केशव क्लब की ओर से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। समाज में बहुत सारी कई बार नेगेटिविटी सुनने को मिलती है, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, हेल्पेज होम्स, कि माँ बाप जीवित रहते भी कभी कार्यक्रम नहीं होते और माँ बाप को शायद कई बार अलग कर दिया जाता है। तो समाज में सुनने को लगता है तो लगता है कि ये क्या हो रहा था, लेकिन किस तरह का कार्यक्रम कि माता पिता इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी वैवाहिक वर्षगांठ इस तरीके से मनाई जा रही है। पूरा का पूरा मुल्तानी परिवार अभिनंदन का पात्र, पूरा का पूरा मुल्तानी परिवार। और ये संस्कार भी उन्होंने उन्हीं माता पिता से मिले, दोनों एक परफेक्ट कपल, अगर मैं कहूं एक परफेक्ट कपल थे। हमारी माता जी श्रीमती लीला ममतानी आज 50 साल 60 साल के बाद कई जगह सुनने को मिलता है जीने की इच्छा खत्म हो गई, घुटने नहीं चल रहे, शुगर, बीपी, और 82 साल की उम्र में उनके कामों के कारण उनको अवार्ड मिलना, 2013 में 2 बार अवार्ड और 2015 में 2 बार, 82 साल की उम्र में। ये ऐसी शख्सियत कम ही मिलती है जिसे कहते हैं लाइव, हमेशा जीवंत, कभी भी मिलो फुल ऑफ इंस्पिरेशन, आपको कभी निराशा लग रही हो तो चाहे माताजी से चाहे पिताजी से। भाजपा के सदस्य थे, टांग टूटी हुई है लेकिन प्रदर्शन है तो फिर भी जाना है, कोई कार्यक्रम है फिर भी जाना। उन्होंने अपना जीवन, कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, जो जीवित हुआ जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य आएगी, लेकिन मरने के बाद भी जो जीवित रहे, ऐसे हमारे माताजी पिताजी श्रीमती लीला ममतानी और श्री सतरा ममतानी। और जो भी समाज के लिए जिएगा तो उनसे शिक्षा शायद यही मिलती है कि हम जितना भी जीवन जिए, भगवान ने जो सांसें दी हैं वो मिलेंगी, लेकिन जितना भी जीवन जिए वो समाज के लिए, अपने लिए सब जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है समाज उसको मृत्यु के बाद भी याद रखता है। तो एक बार फिर आप सबका इस सभा में हार्दिक स्वागत और ममतानी परिवार का अभिनंदन कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम अपने माता पिता के लिए किया। सर्वेश्वरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाए, आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाए, आपका सम्मान तो उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाए। और ममतानी दंपति की अनुपस्थिति में आपने जो अपने विचार प्रकट किए वे हमारे दिल को छू गए और बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रवि टेकचंदानी जी को। आमंत्रित करने से पहले मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस पुस्तक का आज हम विमोचन करने जा रहे हैं, प्यार जा परवाना, उस पुस्तक को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज द्वारा आंशिक अनुदान द्वारा पेश किया जा रहा है। मैंने आंशिक पे जोर दिया, उसका एक कारण मैं बताती हूँ। रवि जी शायद समझ गए हैं, रवि जी डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के साथ साथ नेशनल हिंदी डायरेक्टर के भी हैं। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी कि आपने इस कृति को, इस रचना को जिसका आज हम विमोचन करने जा रहे हैं, उसके लिए आंशिक अनुदान दिया।
साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज एक ऐसी संस्था है जो उभरते हुए कलाकारों को, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो नाट्य लेखक हैं, चाहे वो कवि हैं, इन सबको अनुदान देकर के नई नई पुस्तकें उन्हें बढ़ावा देने के लिए, सिंधी भाषा को, सिंधी साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आगे लाती है। साथ ही साथ उन्हें अवार्ड्स द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ये आंशिक। आज की डेट में, आज की तारीख में जितना अनुदान हमारी काउंसिल देती है उससे शायद किताब छपवाना बहुत मुश्किल होता है, और लिहाजा कुछ उभरते लेखक धन के अभाव में अपनी रचनाएं प्रकाशित करने से वंचित रह जाती हैं। अतः रवि जी, सिंधी सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से आज इस मंच से मैं आपसे विनती करना चाहूँगी, आपको सुझाव देना चाहूँगी कि इस धनराशि को, जो आज से कई वर्ष पहले निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाया जाए ताकि कोई भी रचनाकार आर्थिक कमी के कारण अपनी कलम को रोकने के लिए मजबूर न हो जाए और हम अपने कलाकारों को, अपने लेखकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। और साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि आप कम से कम और तो जरूर करवाएंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आपको आमंत्रण मंच पे। रवि टेक्चर जी, सभी के अजे सुने मौके से प्रणाम क्या तो नमन क्या तो सभी का इजाजत घुरा तो मुख्य लफ्ज हिंदी में गल जो मौको दिनों वे या अनुमति प्रदान थी। मंचस्थ परम श्रद्धेय दादा लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें हम सब समाज के लोग, भारतवर्ष के लोग लौह पुरुष के नाते जानते हैं, प्रातस्मरणीय स्वामी जी, IITM से आदरणीय JC शर्मा जी, बंधुवर सर्वेश महाजन जी, मेरे अग्रज डॉक्टर नंदलाल जोटवानी जी, बड़े भाई साहब आदरणीय दीपक चोपड़ा जी, इस सभागार में उपस्थित बहन रजनी ममतानी जी, पत्रकार बंधुओं, भगनियों, ममतानी परिवार के सदस्य, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और यह अवसर देने के लिए धन्यवाद प्रारंभ में ही ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं ये मूल रूप से समाज में रह रहे हम सब सामाजिक बंधुओं को, प्राणियों को एक जिजीविषा का भाव उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम आदरणीय ममतानी जी की स्मृति करें तो उनमें वो जो जिजीविषा का भाव था, वो जो उसमें एक उनमें पूरे परिवार में, आदरणीय ममतानी जी में, आदरणीय लीला ममतानी जी में जो एक निरंतर गतिमान रहने का भाव था, उनसे हम सब प्रेरणा लेते हुए और ये परिवार उनसे निरंतर प्रेरणा लेते हुए आदि अनेक कार्यक्रम करता रहता है और उनकी स्मृति को सदैव वो जागृत रखते हैं, उनके स्मरण को, उनके संस्कारों को, उनके मार्गदर्शन को, इसलिए ममतानी परिवार अभिनंदन का पात्र है। बंधुओं, दो शब्द मैं लीला ममतानी जी के संबंध में जरूर कहूँगा, तत्पश्चात एक छोटी सी बात राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संबंध में आप लोगों को सूचनार्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्यार जा परवाना ऐसी अनेक पुस्तकों की लेखिका, रचयिता आदरणीय लीला ममतानी जी से संबंध मेरा लगभग 30 वर्ष पुराना है। मैं जब जब उनसे मिला तब तब ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि हमारे और उनके मध्य किसी प्रकार भी वय का या एक आयु का कोई एक दूरी है जो वो मुझे दूर बनाती है, ऐसा कभी महसूस नहीं। वो युवकों के साथ मिलकर के युवक हो जाया करती थी, बालकों के साथ मिलकर के बालक हो जाया करती थी, बच्चों के साथ मिलकर के बच्चे हो जाया करती थी, ऐसी
विदुषी महिला आदरणीय लीला ममतानी जी की इस पुस्तक जिसका शीर्षक है प्यार जा परवाना, इस शीर्षक से ही हम सब भली भांति समझ सकते हैं कि उनके हृदय में, क्योंकि न वो सिर्फ सभ्य थी, सुशील थी, मृदुभाषी थी और मधुर आवाज की मालिक, ऐसी मधुर आवाज से ओतप्रोत आदरणीय लीला ममतानी जी से जब भी कोई मिलता था तो इस प्रकार के भाव से भर जाता था कि जैसे वो अपनी है, उनको वो निकट बना लेती थी, अपने निकट बहुत उनके नज़दीक आ जाना, ऐसा एक भाव प्रकट होता था। बंधुओं, इसी पुस्तक की भूमिका में एक तो पंक्तियाँ हैं जो मैं आप लोगों के सम्मुख उद्धृत करना चाहूँगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद से जुड़ी हुई बात है। बहन ने अभी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संबंध में जो बात रखी है उसका मैं अपनी कमेटी के सामने उनको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बात रखी जाएगी, लेकिन मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद पुस्तक प्रकाशन के लिए इंडिविजुअल लेवल पर पुस्तक के पृष्ठों के आधार पर, उसकी अपनी सीमा के आधार पर 50,000 रुपये का अनुदान देती है अधिकतम, और यदि कोई संस्था या प्रकाशक इस प्रकार की योजना में आगे आता है तो उसे 1,00,000 रुपये तक का यह अनुदान दिया जाता है। लेकिन आपकी जो अपनी अभिलाषा है, जो आपकी इच्छा है, तो निश्चित रूप से मैं अपने अग्रजों तक और अपने आदरणीय मंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जब भी यह बैठक होगी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उपाध्यक्ष पूना की विदुषी महिला आदरणीय प्रोफेसर अरुणा जेठवानी जी हैं, और इस प्रकार एक 22 विद्वानों की एक टोली है जो पूरे भारत से इसके सदस्य हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली से आदरणीय हीरो ठाकुर जी, और हीरो ठाकुर जी ने ही इस पुस्तक के मुहाग में यानी भूमिका में ये दो पंक्तियां उद्धृत की है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूँगा। भेड़ लीला ममतानी दिल्ली में ए दिल्ली खां बाहर प्रोग्रामन में पैंजी मधुर आवाज ए सुहणे कलामन जरिए त सिंधियुनि जो मन मोहिंदी रही है, पर हुन सिंधीअ जे चङे मुक़दार में काव्य रचना भी कई आहे ऐं हेल ताईं संदसि शायरीअ जा 5 किताब पंखड़ियूं, संगम, सौगात, सिंध जो सफ़र, महिमा आया झूलेलाल जी, जिस पर राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के द्वारा आदरणीय लीला ममतानी जी को पुरस्कृत किया गया था, चेचे सिंधी जनता में लोकप्रिय बणजी चुका आहिनि एतिरे क़दुरु जो उन्हनि मां हिकु किताब महिमा आया झूलेलाल जी खे त राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जहिड़े ऊच दर्जे वारे क़ौमी इदारे जो 50,000 रुपयनि जो अवार्ड भी मिली चुको आहे। लीला ममतानी जी के द्वारा रचित रचनाओं में एक दो बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा जिसने मुझे प्रेरित किया है कि आप लोगों के सम्मुख वो दो पंक्तियाँ रख सकूँ। एक प्रार्थना के रूप में देखिए जो प्रारंभ होता है पुस्तक का, उसमें दो पंक्तियाँ किस प्रकार मिलती हैं। मंदिर में तू, मस्जिद में तू, हे कामिल तुझी करामत आ, इन सारी दुनिया में मालिक मांडाण मचायो थे। अब इसको इस भाव में अगर देखा जाए तो मुझे सिंधी कवि किशन चंद बेबस याद आ जा रहे हैं कि कर दुनिया में दिल वडेरी तू भी रहो मां भी रहा, आण मनवृत्ति में फेरो तू भी रहो मां भी रहा। यानी कि ऐसे ही सिंधी विद्वानों कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं से प्रेरित होकर के आदरणीय लीला ममतानी जी ने अपनी रचना कही है, और यदि इस भाव को उर्दू में अगर समझना हो, उर्दू भाषा में समझना हो, तो मुझे अचानक एक शेर याद आ जा रहा है कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस मनोभावना के साथ इस पूरी पुस्तक में अनेक अंश आपको मिलेंगे। इसमें से एक दो अंशों का और उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। इश्क की बातें आदरणीय लीला ममतानी जी ने बहुत ही संजीदगी से प्रस्तुत किया है, और उनके द्वारा ये जो इश्क का और प्यार का जो परवाना है, आप सबसे आग्रह करूंगा कि उन पुस्तकों को आप जरूर पढ़ें। और निश्चित रूप से एक समय की सीमा है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पूर्व सिर्फ दो पंक्तियां। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें पुस्तक प्रकाशन योजना है, बल्क परचेज स्कीम है, अवार्ड स्कीम है, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जाती है, और सिंधी लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस लगाए जाते हैं, जिसमें हर एक प्रकार की योजनाओं के साथ यह एक प्रथम पंक्ति
और दूसरी पंक्ति जो अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अभी जल्दी ही आदरणीय आडवाणी जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ने 4 विश्वविद्यालयों में शोधपीठ की स्थापना की है। एक शोधपीठ की स्थापना अजमेर में, दूसरी शोधपीठ की स्थापना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, तीसरी शोधपीठ की स्थापना सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में और चौथी शोधपीठ की स्थापना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जिसमें सभी के लिए लगभग 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। आप सब लोग इनकी योजनाओं से जुड़े और कल्याण कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। मैं इस परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के द्वारा प्रकाशित, उसके आंशिक सहयोग से प्रकाशित इस पुस्तक के प्रति अपना शीश नवाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात मैं बहुत देर से कहना चाह रही थी, इन्होंने कह दी कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे सिंधी भाई बहन बैठे हैं और कहीं उनके चेहरे पे थोड़ी सी कुछ हलचल है कि क्या हो रहा है। सिंधी पुस्तक, सिंधी दंपति और भाषा का इस्तेमाल हिंदी का हो रहा है, लेकिन हमने ही तो मेहमान बुलाए हैं। हमारे बीच हमारे नॉन सिंधी भाई बहन हैं और दंपति हमारे, जो जिस दंपति की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने को कभी भी एक समाज की सीमा में बांध के नहीं रखा था। इसलिए आप सबसे मैं आज्ञा चाहूँगी कि हम कार्यक्रम को हिंदी में ही आगे बढ़ाएं और मैं जानती हूँ कि आप सबकी इसमें सहमति होगी। रवि जी, आपने बताया कि जिस पुस्तक का आज हम विमोचन करने जा रहे हैं, प्यार अजा परवाना, यानी कि प्यार के परवाने, उसमें बहुत खूबसूरत प्रेम की भाषा है, लेकिन साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी कि आज जिस पुस्तक का हम विमोचन करने जा रहे हैं, यूँ तो गीत, भजन और कविताओं का संग्रह है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो अनछुआ रह गया। हर रचना बहुत ही शिद्दत से लिखी गई है। शुरुआत अगर मैं करूँ तो उनकी जन्मभूमि सिंध, वहाँ की सोंधी सोंधी यादों की खुशबू से चलते हुए वे हमारे देश भारतवर्ष की शान, महिमा और देशभक्ति तक पहुँची है। उनके शब्दों में अगर मैं 2 लाइनें पढ़ूँ, देश की खातिर जेको मरंदो आहे, देश की खातिर, इसी पुस्तक में से है, जेको मरंदो आहे सो हिन जगत में अमर रही रहंदो आहे, अर्थात देश के लिए जो अपनी जान देता है वो अमर हो जाता है। जी हाँ, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, रिश्तों की नाजुकता, प्यार के नाज, अंदाज व अदाएं से लेकर के यहाँ तक सीमित नहीं है। आज के ज्वलंत मुद्दे जैसे कि समाज में नारी का स्थान, मान सम्मान नारी का, या फिर बात करें गिरते हुए नैतिक मूल्यों की, या फिर आतंकवाद की करें, कोई भी उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा है और चंद कागजों में सभी को समेट कर स्याही से संजो दिया है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस पुस्तक को दिल से पढ़ेंगे, जी हाँ कंडीशन है, दिल से पढ़ेंगे, तो आपके दिल को ज़रूर झंझोड़ के रख देगी ये किताब। तो ज़रूर पढ़िएगा ये किताब, प्यार जा परवाना, प्यार के परवाने, जिसका आज हम विमोचन करने जा रहे हैं। अब कार्यक्रम की गति बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सिंधी सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से विंग कमांडर नंदलाल जोतवानी जी को। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि नंदलाल जोतवानी जी हमारे साथ लगभग 11 वर्ष तक जुड़े रहे इस संस्था के साथ, लेकिन उन्हें मजबूरन यह संस्था छोड़नी पड़ी जब उन्हें कमिश्नर बनाया गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन का, और संवैधानिक पद होने के कारण ये उनकी मजबूरी थी कि ये जो गठबंधन था हमारा उससे दूर हुए, लेकिन अभी तक हमारे मार्गदर्शक हैं विंग कमांडर नंदलाल जोतवानी जी। धन्यवाद बीना जी, परम श्रद्धेय पूरे समाज के गौरव, सिंधी समाज के कोहिनी कोहिनूर और रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
श्री लाल कृष्ण आडवाणी, हम आपका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं और हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, एक ज्वलंत उदाहरण हैं कि हम सब भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अपने कर्म कर्तव्यों द्वारा। चौदह मानू मेरे ही न मानू अची मेरे ही न मंजर कह के मानो मंज अचे हुए बात मानताई दंपति श्री सतराम दास मानतानी श्रीमती लीला मानतानी जी की आज वर्षगांठ भी है। मंच पे विराजमान स्वामी जी श्रद्धेय स्वामी जी का भी अभिनंदन करता हूँ और अन्य सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूँ। यह दंपति पूरे समाज सेवा और देशभक्ति की भावना से कूट कूट कर उनमें भरी हुई है। मेरा उनसे न सिर्फ सिंधी सोशल एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से संबंध हुआ मगर मेरा पारिवारिक संबंध भी है। बीना जी ने कहा कि मैं नेशनल कमिश्नर बना, उसकी वजह से मुझे सिंधी कल्चर सोसाइटी से संबंध विच्छेद करना पड़ा, ये ठीक नहीं है। मैं अभी तक इस संस्था से वाबस्ता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सभी समाज का अभिनंदन करता हूँ जय झूलेलाल के साथ और ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया। दरअसल लीला मामतानी की दो खूबसूरत विशेषताएं हैं, एक तो उनके गीत, दूसरी उनकी गायकी। बहुत सुंदर गीत लिखे हैं और बहुत ही मनोहर ढंग से उनको गाया है। उनको सिंधी की कोकला या सिंधी की लता मंगेशकर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत गाती थी और बहुत सुंदर लिखती थी, एक बहुमुखी प्रतिभा जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की तरफ को देखा, उनकी उन्नति और प्रगति में सहायता की मगर समाज सेवा की ओर भी उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया। मैं दरअसल सिंधी एकेडमी दिल्ली से भी वाबस्ता रहा हूँ कई सालों तक और मैंने उन्हें देखा कि किस तरह वो बच्चों को युवाओं को प्रेरित करती थी उनके गीत में और संगीत में। तो मैं उनकी याद को नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, उनको सिंध जी खुशबू और सिंधु रत्न की उपाधियों से विभूषित किया गया। हमारा उनको नमन और नमन हमारा तभी सार्थक होगा अगर हम सिंधियत के प्रति उनकी सेवाओं को हम जारी रखें। बहुत दुख की बात है कि आजकल हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं, संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें चाहिए हमें याद करें कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ बिचारे बैठकर ये समस्याएं सभी 5000 वर्ष पहले की प्राचीनतम सभ्यता की ये हम वारिस हैं। मोहनजोदड़ो इतनी खूबसूरत सभ्यता के वारिस होने के बावजूद भी आज एक प्रश्न हमारी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारी आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अगर हम आपस में सिंधी में बात नहीं करते, घरों में बात नहीं करते, सिंधी भाषा तब तक जिंदा रहती है जब तक हम बोलते हैं। तो मेरा यही आग्रह होगा, हमारा ट्रिब्यूट और होमेज तभी सार्थक होगा यदि हम उनके बताए रास्ते पर उनकी सेवाओं पर सिंधियत के प्रति लगाव और प्यार को हम अपने जीवन में भी समन्वित करें और उस पर करें और सिंधी भाषा का हम उपयोग करें ताकि सिंधी भाषा विलुप्त न हो जाए।
नारायण श्याम ने कहा था अल्लाह ये न थिए जो किताबन में बढ़जे हुई सिंधु ए सिंधु वारन की बोली। ऐसा न हो कि हम किताबों में पढ़े इतिहास की बात हो जाए कभी सिंध था और कभी सिंधी भाषा थी या सिंधी। इस शब्दों के साथ मैं विराम।